हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिर हुआ हादसा, पशु एम्बुलेंस की कमी महसूस हुई। एक दिन में 3 से 4। सिरोही शिवगंज फोर लाइन कोसालिया सुखधाम के पास अज्ञात वाहन से गाय का बछड़ा गंभीर रूप से घायल हुआ। विभिन्न जगहों पर रक्त निकल रहा था, वहीं एक पैर से फ्रैक्चर भी हुआ। वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने घायल बछड़े को सड़क के किनारे रखा। बाद में सूचना ओम श्री गजानंद सेवा मंडल के अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा को दी। उन्होंने पशु एम्बुलेंस की कमी के कारण सवारी टेम्पो के माध्यम से घटना स्थल पर पहुंचकर घायल बछड़े को रेस्क्यू कर सिरोही पीपल फॉर एनिमल गौशाला पहुंचाया, जहां उसका उपचार शुरू हुआ। अध्यक्ष मीणा ने बताया कि पशु एम्बुलेंस की कमी के कारण करीबन 3 घंटे तक बछड़ा सड़क किनारे तड़पता रहा। इलाज के अभाव में लहूलुहान हालत में बछड़े को सिरोही रेफर किया गया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। टोल प्रशासन के पास मूलभूत सुविधा न मिलने के कारण हम समय पर पशुओं को गौशाला नहीं पहुँचा पा रहे हैं। सड़क पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। अभी बारिश में डिवाइडर के बीच पनपत्ती घास को खाने के लिए पशु सड़क पर विचार करने लगे हैं। ऐसे में हादसे बढ़ रहे हैं। टोल प्रशासन यदि समय रहते पशु एम्बुलेंस कंपाउंड सहित डिवाइडर के दौरान और लोहे की जाली का व्यवस्था करवाती है तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि सिरोही विधायक संयम लोढ़ा का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विधायक संयम लोढ़ा द्वारा कलेक्ट्रेट की बैठक में इस मामले को उठाया, टोल प्रशासन को इस मामले में अवगत करवाया और पशुओं की आवाज को बुलंद किया, जिससे कार्यकर्ताओं का हौसला उत्साहित हुआ। पशु एम्बुलेंस टोल प्लाजा पर लगवाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने दो पहिया वाहन का जिक्र करते हुए कहा कि पशुओं को गौशाला पहुंचाते ही बात कही। पालड़ी एम थाना क्षेत्र में हो रही पशुओं के रोजाना हादसे के बारे में कलेक्टर तथा टोल प्रशासन के अधिकारियों को अवगत करवाया। अब उम्मीद जग रही है कि टोल पर पशु एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होगी, पर कब होगी उसका इंतजार भक्तों को 2015 से ही है। वहीं उन्होंने बताया कि सिरोही गौशाला जाते वक्त बीच रास्ते में गाय सड़क पर मृत हालत में मिली। वहां कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, टोल प्रशासन को सूचना देने के बावजूद भी वह गाय सड़क पर ही पड़ी रही। वहीं सिरोही से आते वक्त सानेश्वर महादेव के पास फोर लाइन पर सड़क हादसे में एक भैंस गंभीर रूप से घायल हुई। हादसा इतना भयंकर था कि भैंस के मुंह से रक्त निकल रहा था, जबड़ा टूट गया था। एक दिन में करीबन 15 से 20 किलोमीटर दायरे में 3 से 4 पशुओं के साथ हादसे हो रहे हैं, तो टोल प्रशासन मौन क्यों है? इस पर एक्शन लेना चाहिए जल्द से जल्द, जो मांगों को भक्तों को ग्रामीणों स्थानीय नेताओं द्वारा की जा रही है हमको पूरा करना चाहिए। इस दौरान समाज सेवी कैलाश माली, मिथुन मीणा, संजय वागरी, प्रकाश कुमार, अशोक हिरागर, भगाराम देवासी, विक्रम मीणा आदि ने सेवा दी। जागरूक टीवी के पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।